मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी पार्टी क़यादत के बाद लंदन में मौजूद जायदाद से भी हाथ धो बैठे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने बानी मुत्तहिदा और दीगर ट्रस्टीज़ के खिलाफ मुकदमा लंदन हाई कोर्ट में दायर किया था। जज ने कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही असल एमक्यूएम और हकीकी बेनिफिशरी है। कनाडा का 2023 का वफाकी बजट मंगल 28 मार्च को पेश किया जाएगा। माहरीन का वजीर खजाना से मौशी तरक्की के फरोग के लिए इकदामात का मुतालबा। कंजर्वेटिव रहनुमा का शरह सूद में इजाफे को कम करने का मुतालबा। कनाडा में गैर मुल्की एजेंट्स की रजिस्ट्री की कोई टाइमलाइन मौजूद नहीं। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि रजिस्ट्री के लिए अवामी मशावरत शुरू कर रहे हैं। हम अपने मकासद को सही तरीके से हासिल कर लेंगे। कनाडा में ईरानी स्कूलों में लड़कियों को जहर देने के वाक़े के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरीन का आलमी इदारों से तहकीकात का मुतालबा। मुजाहरीन का कहना था कि ईरान खुद की एक काबिल एतमाद तहकीकात नहीं कर सकता। गुजरात मुस्लिम कुश फसादात पर मोदी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। गुजरात फसादात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म की वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में स्क्रीनिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मोदी के जेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। यूक्रेन का एक ही दिन में 221 रूसी फौजी हलाक करने का दावा। यूक्रेनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि झड़प में 300 से ज्यादा रूसी फौजी जख्मी भी हुए। रूसी हुक्काम का कहना है कि बाखमौत की फतह से यूक्रेन के दिफा में दरार पड़ जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from four locations. कैनेडियन वजीर खजाना का कहना है कि कनाडा का बजट मजीद आजादाना अखराजात के मंसूबे साफ तवनाए जिंदगी को मजीद सस्ती बनाने और मुलाजमत में इजाफे पर मरकूज होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा का 2023 का वफाकी बजट मंगल 28 मार्च को पेश किया जाएगा। नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ऐलान किया। इसके साथ के स्टेक होल्डर्स मौशी तरक्की को फरोग देने के लिए एक मंसूबा शामिल करने के लिए बड़े मालियाती दस्तावेज का मुतालबा कर रहे हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि कनाडा की मईशत की हालत की मुकम्मल पेशकश और मजीद आजादाना अखराजात के मंसूबे साफ तवनाई जिंदगी को मजीद सस्ती बनाने और मुलाजमत में इजाफे पर मरकूज होंगे।
इस तवक्को के साथ कि मईशत आने वाले महीनों में सुस्त हो जाएगी, मुमकिन तौर पर कसाद बाजारी का बाइस बनेगी। बजट मुमकिन तौर पर यह जाहिर करता रहेगा कि लिबरल किस चीज़ को माली रोकथाम समझते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ कैनेडा अफरात ज़र को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। ये मुमकिन है कि जब कैनेडियन शहरी और कारोबारी इदारे सूद की बुलंद शरहों को महसूस कर रहे हों तो वफाकी हुकूमत रिहाइश और मकानात की बुलंद कीमतों से महसूस किए जाने वाले दबाव को कम करने में मदद करने के तरीके तलाश कर रही हो। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने फ्रीलैंड से अखराजात को महदूद करने, टैक्सों में कटौती करने और वफाकी हुकूमत के महंगाई के खसारे जो शरह सूद को बढ़ा रहे हैं को रिवर्स करने का मुतालबा किया है। आखिरी बार फ्रीलैंड ने वफाकी बजट पेश किया अप्रैल 2022 में। बैंक ऑफ कैनेडा की शरह सूद 0.50 थी, जो अब 4.50 पर पहुँच चुकी है। कनाडा में गैर मुल्की एजेंट्स की रजिस्ट्री की कोई टाइमलाइन नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्की मदाखलत के बढ़ते हुए खतरों से आगाह किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में गैर मुल्की एजेंट्स की रजिस्ट्री की कोई टाइमलाइन नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्की मदाखलत के बढ़ते हुए खतरों से आगाह किया है। गैर मुल्की एजेंट्स की रजिस्ट्री, जिसका कनाडा तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था, इसकी टाइमलाइन अब भी गैर वाज़ेह है, जबकि एक आला इत्तेहादी मुल्क के रुकन पार्लियामेंट ने खबरदार किया है कि उनका मुल्क चीन और रूस समेत दुश्मन ममालिक की तरफ से गैर मुल्की मदाखलत की बेमिसाल सरगर्मियां देख रहा है। रजिस्ट्री के लिए अवामी मशावरत शुरू करने का ऐलान करने के बाद पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मेंडिचिनो ने यह नहीं बताया कि आया वो सिक्योरिटी माहरीन के मुतालबात को पूरा करेंगे, जो कहते हैं कि कनाडा इस मौसम गर्मा में जल्द ही इस इकदाम को ले सकता है। हमने इस बात के बारे में बहुत तवज्जो मरकूज बातचीत करने का अहद किया है कि हम इस गैर मुल्की रजिस्ट्री की तश्कील के बारे में कैसे मुतला करना चाहते हैं। वजीर ने कहा, मैं ये भी यकीनी बनाना चाहता हूँ कि हम अपने मकसद को सही तरीके से हासिल करें। उनका कहना था कि हम गैर मुल्की किरदारों की जायज़ सरगर्मियों के इर्द गिर्द शफाफियत को फ़रोग देना चाहते हैं। हम ऐसी सरगर्मियों को भी रोकना और हौसला शिकनी करना चाहते हैं जो जायज़ सिफारतकारी से बालातर हों, और सबसे अहम बात, हम कैनेडियंस को शामिल करना चाहते हैं। माहरीन का कहना है कि गैर मुल्की मदाखलत के मामले पर कैनेडा को ऑस्ट्रेलिया से सीखने की ज़रूरत होगी। पब्लिक रजिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया समेत फाइव आइस अलायंस के दीगर अराकीन की तरह होगी, जहाँ ये हुकूमत की गैर मुल्की असर रसूख की शफाफियत स्कीम का हिस्सा है। यह कानून, जो 2018 में मंजूर किया गया है, गैर मुल्की रियासत की वकालत करने वाले लोगों से जुर्माने या जेल के वक्त के तहत अपनी सरगर्मियां रजिस्टर करने का मुतालबा करता है। कनाडा के शहर वैनकोवर में ईरानी स्कूलों की लड़कियों को जहर देने के मुश्तबा वाकये की मुज़म्मत में रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर वैनकोवर में ईरानी स्कूलों की लड़कियों को जहर देने के मुश्तबा वाकये की मुज़म्मत में रैली निकाली गई। वैनकोवर के मरकज में ईरानी स्कूल की लड़कियों को निशाना बनाने वाले मुश्तबा जहर की मुज़म्मत करने के लिए एक आलमी रैली में शिरकत के लिए एक बड़ा हुजूम जमा हुआ। इतवार की सुपहर वैनकोवर आर्ट गैलरी के सामने मुनक़िद होने वाली इस रैली का अहतमाम VR महसा नामी ग्रुप ने किया था। मुंतजमीन का कहना था कि दुनिया भर के तमाम शहरी ईरानी स्कूल की लड़कियों की हिमायत कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ उनकी हिमायत करने और ये दिखाने के लिए हैं कि हम उनके साथ हैं। तकरीबन 4 महीनों से ईरान भर के सैकड़ों स्कूलों में हजारों लड़कियों और खवातीन को मुबैना तौर पर किसी नामालूम मादा के जरिए जहर दिया गया, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कीमियाई एजेंट है। इसे बड़ी हद तक ईरानी खवातीन और लड़कियों की आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है, जो ईरान में खवातीन जिंदगी आज़ादी के इनकलाब में सबसे आगे रही हैं। मुजाहरीन और इंसानी हकूक के कारकुनान ने आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। मुजाहरीन का कहना था कि ईरान खुद की काबिल एतमाद तहकीकात नहीं कर सकता, और मिसाल के तौर पर आलमी इदारे सेहत या अक़वामे मुत्तहिदा जैसे बैन अल-अक़वामी इदारे को गैर जानबदाराना तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्म बीनों ने अमरीकी मीडिया पर जोर दिया है कि गुजरात में 2002 के कत्लेआम के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एहतसाब करें। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। BBC की दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी क्वेश्चन की कामयाबी स्क्रीनिंग के बाद मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्म बीनों ने अमरीकी मीडिया पर जोर दिया कि गुजरात में 2002 के कत्लेआम के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एहतसाब करें। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी के जेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। अमरीका से लेकर बरतानिया तक मोदी हिंदुस्तान के लिए जग हंसाई का बाइस बन गया है। वॉशिंगटन की नेशनल प्रेस क्लब की जानब से फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद जारी बयान में कहा गया है कि फिल्म में मंजर आम पर आने वाली BBC की रिपोर्ट्स और इस वक्त के बरतानवी सेक्रेटरी खारजा
जैक स्ट्रॉ के इंटरव्यूज दिखाए गए हैं। वॉशिंगटन की नेशनल प्रेस क्लब में फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद एनी शाहिद के बयान और फर्स्ट हैंड मालूमात रखने वालों ने फिल्म डीन पैनल के जवाब भी दिए और अमरीकी मीडिया से मुतालबा किया कि गुजरात फसादात के हकायक सामने लाते हुए मोदी का कड़ा एहतसाब करें। आलमी खबर रिसा इदारे के मुताबिक बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन में एक पैनल को दिखाई गई। फिल्म डीनों के इस पैनल में मुख्तलिफ अमरीकी मीडिया के नुमाइंदों के अलावा एक एनी शाहिद, इमरान दाऊद और फसादात से मुतालिक फर्स्ट हैंड मालूमात रखने वाले अफराद शामिल थे। नेशनल प्रेस क्लब के मुताबिक फिल्म में बरतानवी दफ्तर खारजा की एक रिपोर्ट को भी बयान किया गया, जिसमें सेक्रेटरी खारजा जैक स्ट्रॉ ने कम से कम 2000 मुसलमानों के कत्ल की तस्दीक करते हुए लिखा था कि ये कत्ल आम मुस्लिम नस्ल कुशी की वाजह सबूत है। गुजरात पुलिस के एक सीनियर एहलकार संजीव भट्ट ने बताया कि फसादात के बाद में कई मीटिंग्स में मौजूद था और 2011 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की फसादात तहकीकात में मोदी के खिलाफ गवाही भी दी थी। इसी तरह फिल्म बीनों में शामिल फसादात के चश्मदीद गवाह इमरान दाऊद ने पैनलिस्ट को बताया कि जुनूनी फसादियों ने मुसलमानों पर टारगेटेड हमले किए और बिल्कुल वही हरबे इस्तेमाल किए जो नाजी जर्मनी में करते थे। दस्तावेज फिल्म में गुजरात फसादात में इस वक्त के वजीर आला गुजरात और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के किरदार को भी वाज़ेह किया गया है, जिस पर मोदी सरकार ने इस फिल्म की भारत में स्क्रीनिंग पर पाबंदी लगा दी थी। नाम निहाल सेकुलर रियासत और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत की मोदी सरकार ने इस पाबंदी पर ही बस नहीं की बल्कि दो बार टैक्सेशन के बहाने नई दिल्ली में बीबीसी के दफातर पर भी चढ़ाई की थी। ख्याल रहे कि बीबीसी की इस दस्तावेजी फिल्म में भारतीय रियासत गुजरात में मोदी के वजारत आला के दौर में 2002 को होने वाले मुस्लिम कुश फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम और उसके बाद के वाकयात का अहाता किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोदी के जेरे साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। अमरीका से लेकर बरतानिया तक मोदी हिंदुस्तान के लिए जग हसाई का बाइस बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर के बाद मोदी अब इस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करना चाहता है। मोदी सरकार ने 20 से ज्यादा तनकीदी सहाफियों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। 1990 से 2018 तक कश्मीर में 19 सहाफियों के जवाहक होने के बावजूद सहाफत को कोई खतरा नहीं था। सिर्फ 2023 में भारत में इंसानी हकूक और गिरते सहाफती मयारों पर न्यूयॉर्क टाइम्स का यह 11वां इदारिया है। 2019 में कश्मीर टाइम्स ने इंटरनेट बंदिश पर मोदी के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की। इंतकामन मोदी सरकार ने अखबार ही बंद करा दिया। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में यूक्रेनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में रूस के 221 फौजी हलाक करने का दावा किया है, जबकि 314 फौजी जख्मी हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में यूक्रेनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में रूस के 221 फौजी हलाक करने का दावा किया है, जबकि 314 जख्मी हैं। रूस ने हलाकतों पर तबसराना करते हुए कहा कि बाखमुत की फतह से यूक्रेन के दिफा में दरार पड़ जाएगी और डोंबास के तमाम सनअती इलाके पर तसल्लुत की जानिब एक कदम होगा, जो एक बड़ा हदफ है। यूक्रेनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि 24 घंटों में रूस ने 16 हमले किए, जिसमें दुश्मन के 221 फौजी मारे गए जबकि 314 जख्मी हुए। ताहम रूस की जानिब से इस मुतालिक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के रूस के जेरे तसल्लुत शहर डोंबास के एक इलाके बाखमुत में घमसान की जंग जारी है। डोंबास के इस इलाके में रूस तहाल कब्जा करने में नाकाम रहा है। ख्याल रहे कि इस वक्त रूस के जेरे कब्जा शहर डोंबास के इलाके बाखमुत में शदीद जंग जारी है। रूस इस इलाके का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। रूस की हामी अलहदगी पसंद अस्करी जमात डोंबास पर कब्जे में कामयाब हो गए थे और रूस ने मुतनाजा रेफरेंडम के जरिए डोंबास को अपनी रियासत में जम कर लिया था। ताहम डोंबास के इलाके बाखमुत पर कब्जा ताहाल एक ख्वाब है। रूस का कहना है कि बाखमुत की फतह से यूक्रेन के दिफा में दरार पड़ जाएगी, जबकि डोंबास के तमाम सनअती इलाके पर कब्जा फतह की जानिब एक अहम कदम होगा। रूसी फौज ने गुज़िश्ता बरस फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था और डोंबास समेत 4 शहरों पर कब्जा करके उन्हें अपनी रियासत में जम कर लिया था। अब तक जारी इस जंग में हजारों अफराद हलाक, लाखों बेघर, कई शहर और कस्बे तबाह हो चुके हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।